द फेस्टिवल। वो क्या चीज है? वो एक नया स्पोर्ट्स पेस है जो हमारे अड्डे पे आया है। अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गए, तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ा बच्चे। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ समझे, और ना ही एक स्पोर्ट्स बीस्ट हूँ। रेड बेट, मुझे लगा रेंजर्स ने तुम्हें खत्म कर दिया होगा। किस गंदी नाली से रेंग के यहाँ आए हो? ये एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है। रेंजर्स ने मुझे लगभग खत्म ही कर दिया था, लेकिन समुद्र की लहरों ने मुझे किनारे पर लाकर पटक दिया और मुझे स्क्विड के साथ कुश्ती करनी पड़ी। मेरे साथ? हाँ हाँ समझ गया, तुम फिर यहाँ वापस आ गए। कितना बकाव है, ब्ला ब्ला ब्ला। यहाँ पे हम है ना संभालने के लिए, तो क्यों ना तुम वापस सेल करके समुद्र में ही चले जाओ बच्चे। संभाल संभाल के जोकर, वरना उठा के फेंक दूंगा तुझे। तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? बस कर, अगर तुम दोनों को लड़ना ही है तो जाकर पावर रेंजर्स से लड़ो। अरे वाह, एक कॉन्टेस्ट, जो रेंजर्स को हराएगा वो जीतेगा। ये काम मैं करूंगा, तुम बस देखते रहना। ध्यान से देखो मेरा नया पोशन, ये केवल कुछ ही मिनटों तक चलता है, लेकिन उस दौरान मैं सुपर चार्ज्ड रहता हूँ जादू की तरह। जादू तो मुझे भी आता है, देखना है क्या? अब ये मेरा है। हिम्मत तो देखो इस सामुद्री लुटेरे की। सर्किट में पावर आने लगा। मुझे चाहिए पावर। वाओ स्लाइडर, तुम्हारा मोशन कमाल का है। इसकी एक एक बूंद मेरी है। मैं अभी भी उससे ज्यादा रेंजर्स को हरा सकता हूँ। देखना तुम सब देखना। जाओ मिटा दो उन्हें। हर जादूगर का असिस्टेंट होता है, मैं साथ चलती हूँ। सोलोन, हम जितनी जल्दी आ सकते थे आ गए, क्या बात है? कोई स्पोरिक्स बीस्ट है या फिर तुम्हारा साइबोर गाय काम नहीं कर रहा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन हाँ मेरा सॉफ्टवेयर ट्यून-अप के लिए ड्यू है। मतलब कोई इमरजेंसी नहीं है, क्या बात है? पिछले हफ्ते जब मेरा बर्थडे था, मैं सोच रहा था तुम लोगों का बर्थडे कब होता है और तुम लोग 65 मिलियन बर्थडे के कैंडल्स कैसे लगाते होगे। इसीलिए मैंने उन्हें रेफकॉन के ट्रिपल सन फेस्टिवल के बारे में बताया। एक ही दिन सबको गिफ्ट दे दिया जाता था और सबका बर्थडे साथ में मनाया जाता था। मैंने गैलेक्टिक कैलेंडर देखा और वो फेस्टिवल आज ही है। अच्छा, इसीलिए ये खुशबू आ रही है, फ्लॉर्गन केक। हाँ, हम तुम्हारे प्लान की खास डिश बनाना चाहते थे, तो हम सोलोन की मदद कर रहे थे। तो हम तुम्हारे लिए गिफ्ट्स भी लेकर आए हैं। ये तुम्हारे लिए। क्या बात है, मैं हजारों मोटरबाइक क्लिप ऑनलाइन देखता रहता हूँ। तभी तो हमें पता है, पूरे बेस में ये आवाज सुनाई देती है। वाओ, मैं इसे चलाने के लिए रुक नहीं सकता। कोई फोटो तो खींचो, मेरी नई बस ब्लास्ट प्रोफाइल के लिए परफेक्ट है। स्माइल। चलो अब ये तो हो गया, हमारे पास तुम्हारे लिए भी कुछ है। वो ये क्या है? डाइनो बैक मसाजर्स। मैं इन्हें कहता हूँ टी-रेक्स एनर्जी फेस वेपन स्ट्राइक प्रोटोटाइप 5X। लेकिन हम सबको ये नाम थोड़ा सा अजीब लगा, इसलिए हम इसे बुलाते हैं डाइनो चक्स। डाइनो चक्स बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा कूल है ये, और अब मैं पल भर भी इंतजार नहीं कर सकता। ध्यान से, ये बहुत पावरफुल है, बेस के अंदर इसे यूज करना सेफ नहीं। ओके, मैं बाद में ट्राई करता हूँ। थैंक्स टीम। उप, टाइमर बच गया, चलो फ्लॉर्गन केक्स लेके आते हैं। मैं उसे देखना चाहता हूँ। लेकिन कोई टेस्ट नहीं करेगा। हाँ भी मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हें बैटर खाने की आदत है। नहीं, मैं स्पून लिक करता हूँ। मैं अभी आता हूँ। घर पे तो हावी को किचन में जाना ही मना है। ओह यह। ओह यह, क्या बात है। अरे नहीं, ये ठीक नहीं हुआ।
हॉटलाइन पे कोई कॉल आया है। अरे बाप रे, यहाँ तो दो अलर्ट्स हैं। स्लाइडर वेयरहाउस डिस्ट्रिक्ट में देखा गया है और रेकमेट को डाउनटाउन के ओवरब्रिज पर देखा गया है। रेकमेट वापस आ गया? दो टीम में बटो, ओली अमेलिया और मैं जाएंगे रेकमेट के पीछे और तुम स्लाइडर को पकड़ो। मैंने क्या कहा था म्यू के? तुमने कहा था लोगों को डराओ, हंगामा करो, फिर देखना बोरिंग रेंजर्स कैसे जादू की तरह हाजिर। हसो हसो और हसो, क्योंकि अब रोगे। इट्स मॉर्फिन टाइम। डायनो फ्यूरी की एक्टिवेट। मॉर्फिन ग्रिप से नहीं करो। फ्यूरी पावर। और ये आया पेन। मूव द ब्लास्ट। जोर की लगी। संभालो अपने आप को। ब्लास्ट। ये छक आया। अच्छी चाल थी। वही बात नहीं, नया प्लान। इन्हें जरा मजा चखाओ। आ जाओ। मैं चला पीछे छुपने। अरे ये बताओ दोस्तों, मुझे मिस किया ना? रैकमेट है ना? तुम जैसे न जाने कितनों की बैंड बजाते हैं, सबका नाम याद नहीं रहता। रस्सी जल गई, बल नहीं गया। इतनी जल्दी प्यास भी लग गई? मुझे नहीं दोगे? अगर प्यास लगी है तो ये लो मेरा पंच। स्लाइडर का पोशन पावरफुल होना चाहिए। क्या एक पोशन? ये तो चीटिंग है। अब हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। फिर तो हमें रेकमेट का ध्यान बटाना होगा। ओ, बिल्कुल सही कहा। मैं तुम्हें बस एक बार ही कहूंगा, पीछे हटो। उसे बस बिजी रखो, मेरे पास एक आइडिया है। बब, कितनी बार बताओ, बी और बी कहते हैं। पायरेट से नफरत हो रही है। वजह तुम्हारे सामने है। तुम जैसे कमजोर मुझे हरा नहीं सकते। देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ। चप्पा देना चाहिए। जरा फिर से कहना तो। तुम्हारे जहाज डूबने वाले हैं। दे तो कहाँ है? सॉरी देर हो गई। मैं एक खास चीज लेने गया था जिसका इस्तेमाल करने के लिए मैं बेताब था। जितना सोचा था उससे भी ज्यादा कूल। डायनो चक स्ट्राइक। वाओ। डूड, रेकमेट कहाँ है? लगता चला गया क्योंकि सी वाटर की स्मेल नहीं आ रही अब। तुम ठीक हो? हाँ, लेकिन डायनो चक्स, उनका ये काम नहीं था। ऐसे हम फाइट नहीं कर पाएंगे। तीन रेंजर्स डर के भाग गए। स्कोर अच्छा है।
सोच रहा हूँ उस जादूगर का क्या हाल होगा। आराम से, मेरी हालत ठीक नहीं है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। स्लाइडर कहाँ गायब हो जाता है जब उसकी जरूरत होती है? क्या ये मैंने किया? ये काम तुम्हारा नहीं मेरा है बेवकूफ अंगस। अब जल्दी से इस तरफ आ जाओ नहीं तो तुम्हारा भी मशरूम सूप बन जाएगा। ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया। लगता है हमारे दोस्तों से डर के तुम दुम दबा के भाग गए। मेरे खत्म करने से पहले वो भाग गए लेकिन मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा। बहुत हो गया खेल। अरे नहीं मेरा हाथ, अब गिटार प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा। अब समझी उन्हें यहाँ से क्यों भागना पड़ा। इस पायरेट को हम बाद में देख लेंगे। तुम लोग भी चले जाओ, फिर भी मैं ही जीता। मेरा पोशन, ये कहाँ चला गया? वो मेरा पोशन है, समझ गए लुटेरे? और तुमने मेरे रेंजर्स भी चुरा लिए। जैसे तुम बहुत अच्छा काम कर रहे थे, मैंने उन्हें भगाया, ना कि तुमने। लेकिन स्टाइल कहाँ है, ड्रामा कहाँ है, और तुमसे कितनी बू आती है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा रैकमेट आखिर बच कैसे गया। खुद को समुद्र के अंदर फिक्स कर लिया था क्या? उसे वहाँ कोई करंट नहीं लगा? मुझे नहीं पता, क्योंकि वो पहले से ज्यादा पावरफुल हो गया है। डायनो चक्स हमारे लिए एक बड़ी मदद हो सकते थे लेकिन वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गए। सोलोन कुछ आइडिया है वो क्यों खराब हो गए? हो सकता है इसका कोई पार्ट खराब हो गया हो। मुझे देखना पड़ेगा क्या हुआ है। अरे नहीं, अरे नहीं, नहीं। ओ, क्या तुम ठीक हो? कुछ नहीं हुआ है मुझे। सॉरी तुम्हारा गिफ्ट खराब हो गया। लगता है डायनो चक्स एक्सटिंक्ट हो गए हैं। मैं नया बनाने की कोशिश करती हूँ। एक मिनट, यहाँ क्या हुआ था? सब कुछ जल गया है, मेरे स्पेयर पार्ट्स, सब कुछ टूट कैसे गया? समझ नहीं आ रहा। ये मेरी गलती है। तुम्हारी? डायनो चक्स इतने कमाल के लग रहे थे और मेरा मन किया उसे यूज करने का। तो तुमने मेरा डायनो चक्स यूज कर लिया? वो भी बेस में, मेरे मना करने के बाद भी। और वो मेरे हाथ से छूट गया, फिर कबूम सोलोन के कैबिनेट में गया, उसके बाद कज़ैब सीधे तुम्हारे टूल्स पे। कबूम और कज़ैब, बस इतना ही? वैसे शायद उससे ज्यादा, कबैम और कज़ैब ज़ैब ज़ैबी ज़ी। मुझे माफ करना। तब तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। रैकमेट को रोकने के लिए हमारे पास उतने स्ट्रॉन्ग वेपन्स नहीं है। hey, क्यों ना हम अपने पुराने डेटाबेस में से ऐसे रेंजर वेपन्स ढूंढे जिसे हम बना सके? लेकिन किससे बनाएंगे? चलो ये तो अच्छा हुआ कि मैंने सारी चीजें खराब नहीं की। हम उन चीजों का इस्तेमाल करेंगे जो खराब नहीं हुए हैं। चलो यार, इनमें से कुछ वेपन्स कितने पावरफुल दिखते हैं। ओह, रेड सैमुराई रेंजर्स फायर स्मैशर कैसा रहेगा? दोस्तों हम ये साथ में कर सकते हैं। फायर स्मैशर, बहुत बढ़िया है, लेकिन इसे एक्टिवेट करने वाला पावर डिस्क मैं नहीं बना सकती। मुझे नहीं पता कि ये किस चीज से बना है। कोई तो ऐसा हथियार होगा जिसे रैकमेट खत्म हो जाएगा। ओह, सोनिक फिन तो फन लगता है। चलो देखते हैं। सोनिक फिन, साउंड ऑफ। और गिर गया। मेरे पास एक स्पेयर ऑडियो ट्रांसड्यूसर है। ओह, स्पीकर ने पहले ही जवाब दे दिया है। कबूम और कज़ैम। एक मिनट, कुछ और देखता हूँ। बहुत सारी रेंजर टीम्स ने मोटरसाइकिल को अपना वेपन बनाया था। चलो देखते हैं। चलो मिलकर उसे ढूंढ निकालें। बाइक्स के साथ उन्हें पकड़ सकते हैं। मेरा ये बीस शिकार खुद ढूंढ लेगा। हाँ, चलो चलते हैं। ये चीज कमाल की है, लेकिन
तुम्हारी टीम खुद को लड़ाई में टेलीपोर्ट कर सकती है। लेकिन रेंजर मोटरसाइकिल्स ट्रांसपोर्ट से कहीं ज्यादा है। मेगा मोर्फ साइकिल कैसा रहेगा? वो प्लाज्मा ब्लास्ट फायर कर सकता है। इसे देखकर लगता है कि हमारा काम हो जाएगा। हाँ, ये तो परफेक्ट रहेगा, लेकिन मेरे पास जरूरत का एक भी स्पेयर पार्ट नहीं है। मैं तो एक मॉफ साइकिल भी नहीं बना पाऊंगी। चलो और कुछ देखते हैं। क्वेसार लॉन्चर्स, K9 कैनन। तुम मेरे मोटरसाइकिल से पार्ट्स निकाल सकते हो। लेकिन वो तुम्हारा गिफ्ट है। रेकमेट बहुत पावरफुल हो गया है। इस शहर को और मेरे टीम को इसकी जरूरत है। वाह, तुम कितने अच्छे हो आयन। तो अब किसका इंतजार है? हमें व्हीली फास्ट करना होगा। समझे? क्योंकि व्हील्स ऑली होता तो समझ जाता। ओह ग्रेट, रेकमेट फिर से तबाही मचा रहा है। जब तक तुम ये बनाओगे, मैं उस पायरेट को बिजी रखता हूँ। ठीक है, समझ गया। व्हीली केयरफुल रहना होगा। एक और रेंजर, तुम भी हारना चाहते हो? तुम्हें हराने के बाद मैं इस वेयर हाउस को लूटूंगा और उस लूट के पैसे से ऐश करूंगा। तो फिर आओ, मैं तुम्हें ऐश कराऊं। मॉर्फिन ग्रिड से लिंक करो। इलेक्ट्रो डायनो की तैयार। आओ मेरे दोस्त, ऐश कराओ। तुम नहीं मानोगे। इलेक्ट्रो बैटल आर्मर। बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है यार। तुम्हारी गर्मी तो मैं निकालता हूँ। कुछ गर्मा गर्म बना रहा हूँ। तुम्हारी प्लेट तैयार है दोस्त। ऑर्डर करो। खाना तुम्हारा कच्चा है। ठीक से पकाओ। उस नौटंकी की बाज का नकाब उतर रहा है। ये क्या हुआ? पोषण खत्म हो गया? चलो ठीक है, मछली फंसाते हैं। पहले मैं जाल फेंकूंगा। मछली नहीं तो सोना फंसेगा। मुझे जाने दो। एक पायरेट लूटे हुए खजाने के साथ क्या करता है? दफना देता है। मेरे पास है एक बड़ी सी मछली। अब मैं इसे पका कर खाऊंगा। सेठो, मेरी मदद कर सको तो अच्छा होगा। एक सेकंड। ओह ये, आयोन को ये बहुत पसंद आएगा। ये है तुम्हारी फेयरवेल पार्टी गोल्डी। कोई आखिरी इच्छा है? जल्दी बताओ, मुझे बहुत काम है। डायनो फ्यूरी साइकिल प्लाज्मा ब्लास्ट। तुम तो लुट गए दोस्त। इस खेल को ड्रॉ मान लेते हैं। मैं फिर आऊंगा। हाँ, भाग जाओ यहाँ से। हमारी मदद चाहिए क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या ये, क्या मस्त व्हील्स है यार।
तुमने और सोलोन ने तो कमाल कर दिया। अगर तुम अपना गिफ्ट नहीं देते तो ये मुमकिन नहीं होता। सब कुछ बर्बाद करने के बाद मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, और वैसे भी अब तो मैं इसे चलाने ही वाला हूँ ना। टेलीपोर्टिंग से कहीं ज्यादा मजेदार है ये। ओह यह अब तक का बेस्ट फेस्टिवल। ओ तुम ठीक हो गई? अब बहुत अच्छा लग रहा है। रेक मेट को हरा कर तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन किसी की मदद से। ओह थैंक्स। मैं नए डायनो फ्यूरी साइकिल के बारे में बात कर रहा हूँ। सब लोग यहाँ ध्यान दो, केक तैयार है। फ्लॉर्गन केक्स। क्या मैंने बता दे? क्या बताना है? जानता हूँ तुम सबको भूख लगी है, लेकिन फ्लॉर्गन केक खाने की एक परंपरा है। इसका एक खास तरीका होता है। अच्छा, और वो क्या है? इसे खाना है बिना हाथ लगाए। तुम लोगों को ये ट्राई करना ही चाहिए। बहुत यम्मी है। शायद सबको पसंद ना आए। हैप्पी ट्रिपल सन फेस्टिवल। बिल्कुल राजकुमार की तरह।